हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 14th of October और आज हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, विशॉर्ट्स इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइंड टू न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंजेस। एंड सेकंड, द सिस्टम इंप्लॉयज अ डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर एंड फीचर्स एन एडवांस्ड अनकूल्ड कंसीडर इंफ्रारेड सीकर। और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। सो द सिस्टम यूजेस अ डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर विच प्रोवाइड्स द मिसाइल विद द हाई एजिलिटी एंड स्पीड इंश्योरिंग द इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फास्ट मूविंग टारगेट्स। एंड इट इज इक्विप्ड विद एन एडवांस्ड अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर दैट मेक्स द मिसाइल कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन वेरियस वेदर कंडीशंस इंक्लूडिंग लो विजिबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अन्न दर्पण, अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल रिप्लेस द डिपो ऑनलाइन सिस्टम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन या मंत्रालय ने हाल ही में अन्न दर्पण लॉन्च किया है, जो कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिपो ऑनलाइन सिस्टम की जगह लेगा। आपके ऑप्शंस हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको लॉन्च किया है FCI ने। आप देख सकते हैं, द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम डिपो ऑनलाइन सिस्टम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू माइक्रो सर्विसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम है अन्न दर्पण। सो द सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड टू स्ट्रीमलाइन एंड इम्प्रूव सप्लाई चेन ऑपरेशंस एंड सर्विसेज टू ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग मंडीज, मिल्स, डिपोज, डिविजनल, रीजनल, जोनल एंड हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। यहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट विल एस्टैब्लिश अ न्यू शिपिंग पोर्ट टू एनहांस ट्रेड कनेक्टिविटी, बूस्ट रीजनल कॉमर्स एंड सपोर्ट मारीटाइम लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकेंड, इट विल ऑल्सो हैव एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है, नेशनल मारीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से संबंधित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर सेकंड करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, तो द एनएच
NMHC is primarily focused on showcasing India's maritime heritage and history through museums, galleries, and educational facilities. So it will be developed at Lothal in Gujarat, and it is being developed as part of the Sagarmala initiative by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. And this master plan was finalized in March 2019. The foundation stone was laid by Prime Minister Narendra Modi on 4th of March 2019, and this project is being built in phases. तो आप ध्यान रखेंगे, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है, इसका निर्माण किया जा रहा है लोथल गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इज अ ज्वाइंट मिशन ऑफ विच ऑफ टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? आपके ऑप्शंस हैं नासा एंड इसरो, इसरो अंजाक्षा, ईएसए एंड नासा, या फिर सीएनएसए एंड इसरो। आपको बताना है ये जो लुपेक्स मिशन है, ये किन दो देशों की जो स्पेस एजेंसीज है उनका मिशन है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। आप देख सकते हैं, इंडियाज नेशनल स्पेस कमीशन अप्रूव्ड द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इंडियाज फिफ्थ लूनर मिशन, एंड लुपेक्स फॉलोज द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3's मून लैंडिंग इन अगस्त 2023, मेकिंग इंडियाज द फोर्थ नेशन टू लैंड ऑन द मून। सो इट इज अ ज्वाइंट मिशन बिटवीन इंडियाज इसरो एंड जापान्स जाक्सा, फोकसिंग ऑन लूनर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर ऑन द मून सर्फेस एंड बीनिथ इट्स रेगोलर। सो इस मिशन का एम है टू प्रोवाइड क्रूशियल डाटा फॉर फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन एंड पोटेंशियल ह्यूमन हैबिटेशन। इसके साथ ही लूपेक्स मिशन को चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर 2024 वन घोषणा मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट रिवील्ड दैट द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट इन 2023 वॉज ऑलमोस्ट 50% हायर देन द टारगेट रिक्वायर्ड टू मीट द 2030 जीरो डिफॉरेस्टेशन गोल्स। एंड सेकेंड, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट नियरली 96% ऑफ द ऑल डिफॉरेस्टेशन अकर्ड इन टेम्परेट फॉरेस्ट विद मोस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स मीटिंग देयर डिफॉरेस्टेशन टारगेट्स। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है 2024 की जो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकेंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, सो डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें तो नियरली 96% ऑफ द डिफॉरेस्टेशन अकर्ड इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड मेनी एरियाज इन दीज रीजन्स फेल टू मीट देयर डिफॉरेस्टेशन टारगेट्स। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, फायर्स एंड कॉमर्शियल लॉजिंग्स वर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू डिफॉरेस्टेशन स्पेशली इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। सो फॉरेस्ट डैमेज विदाउट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इज 10 times वर्स देन डिफॉरेस्टेशन इटसेल्फ, इम्पैक्टिंग ओवर 62 million हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इन 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2024 इज करेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं
इस वर्ष का जो थीम दिया गया है वो ये है, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1995 फॉलोइंग द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजी। एंड सेकेंड, उड़ान अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स एम एट इनहांसिंग अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड फोर्थ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजन्स फॉर जेंडर इक्वेलिटी। आपको बताना है कि नीचे दिए गए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2024 का थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। आप देख सकते हैं, द इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 11th of October एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पावरिंग गर्ल्स वर्ल्ड वाइड। सो द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2011 फॉलोइंग रेजोल्यूशन 66/170। सो दिस डे सर्व्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय गर्ल्स वर्ल्ड वाइड एंड द नीड टू इंश्योर देयर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसके साथ ही भारत की बात करें तो इन इंडिया गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव फॉर द गर्ल्स, जिनमें शामिल हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान एंड द नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द रीसेंट इलेक्शंस फॉर द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल विच कंट्री रिसेंटली फेल्ड टू सिक्योर अ सीट ऑन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के हालिया चुनाव में कौन सा देश UNHRC में सीट हासिल करने में विफल रहा है। आपके ऑप्शंस हैं कतर, सऊदी अरब, थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो कंट्री फेल रहा है UNHRC में अपना सीट सिक्योर करने में वो है सऊदी अरब। आप देख सकते हैं, सऊदी अरब कम्पीटेड फॉर अ सीट ऑन द UNHRC इन द एशिया पैसिफिक रीजन बट फिनिश्ड इन सिक्स प्लेस। सो द कंट्रीज दैट वन सीट्स वर साइप्रस, मार्शल आइलैंड, कतर, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। एंड दिस रिजल्ट हाईलाइट्स इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द सऊदी अरब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, पर्टिकुलरली अंडर द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सो सेवरल ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप प्रेज द आउटकम, सीइंग इट एज अ स्टेप टूवर्ड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स गवर्नेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टू फोस्टर इनोवेशन फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा अनुप्रयोगों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये समझौता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के मध्य। आप देख सकते हैं, सो MEITY एंड इंदौर बेस्ड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है पार्टनर्ड टू फोस्टर इनोवेशन एंड ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर डिफेंस एप्लीकेशन।
एंड अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MEITY हैव हैंडेड ओवर द इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स टू MCTE फॉर मिलिट्री यूज एंड दिस पार्टनरशिप विल ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थ्रू एन इंक्यूबेशन इको सिस्टम प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, सेकेंड डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट, थर्ड प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स, या फिर वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। आपको बताना है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 का थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष की थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट बर्ड्स। आप देख सकते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज अ ग्लोबल कैंपेन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इन 2024 इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th of May एंड 12th of October, रिफ्लेक्टिंग बर्ड माइग्रेशंस इन डिफरेंट हेमिस्फेयर्स। सो द 2024 थीम इज प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। द थीम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड द नीड टू प्रोटेक्ट बोथ। सो द डे रेजेस अवेयरनेस अबाउट द रोल इंसेक्ट्स प्ले इन सपोर्टिंग बर्ड सर्वाइवल एंड अर्जेस एक्शन फॉर देयर प्रोटेक्शन। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये इनिशियली इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2006। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल रिसेंटली? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं कोलंबिया, निकारागुआ, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये घोषणा किया है निकारागुआ ने। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ हैज अनाउंस्ड दैट इट विल ब्रेक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। वाइस प्रेसिडेंट रोजारियो मोरेली अनाउंस्ड द डिसीजन आफ्टर कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एक्शन। सो द मूव कम्स अमिड ग्रोइंग स्क्रूटनी ऑफ इजराइल ड्यू टू इट्स एक्शंस इन वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग अटैक्स इन लेबनान। द रिलेशंस बिटवीन निकारागुआ एंड इजराइल आर लार्जली सिम्बोलिक एज देयर इज नो रेजिडेंट इजराइलीज एम्बेसडर इन मानागुआ। एंड कोलंबिया एंड ब्राजील ऑल्सो टुक सिमिलर एक्शंस अगेंस्ट इजराइल अर्लियर इन मे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज लीडिंग द पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतर संसदीय संघ की 149th सभा में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल है 149th पार्लियामेंट्री
जो यूनियन की असेंबली हो रही है उसके लिए, उसको हेड करेंगे भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आप देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल लीड अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन जेनेवा एंड द असेंबली विल रन अंटिल द 17th ऑफ दिस मंथ। सो मिस्टर बिरला विल एड्रेस द असेंबली ऑन द थीम हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके साथ ही इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स दैट फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस। और अब ध्यान रखेंगे, 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो मीटिंग है इसका आयोजन किया जा रहा है जेनेवा में, और भारत की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।